देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन है, द सन सरफेस रेडिएट्स हीट 6.3×10⁷ वाट पर मीटर। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द सन एज्यूमिंग इट ब्लैक बॉडी। तो टेम्परेचर हमें फाइंड करना है, ठीक, और ये वाट पर मीटर स्क्वायर की एनर्जी दी गई है। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, बोलो। वाट पर मीटर का मतलब पावर अपान एरिया, ये दो चीज दिया गया है। फॉर्मूले तुम्हारे पास हैं कितने, एक पावर वाला बताया था, एक स्टीफन ला वाला बताया था, वो स्टीफन ला, दूसरा वींस ला और कूलिंग, यही दो तीन फार्मूले हैं। अब यहाँ वेवलेंथ की कोई बात कर नहीं रहे, तो वींस ला तो काम ख़त्म उसका। तो याद करिए, पी इज इक्वल टू ई अपान टी, ई ए सिग्मा टी की पावर। अब देखो, ये जो वैल्यू दी गई पी अपान ए की दी गई है, बोलो, तभी तो वाट पर मीटर स्क्वायर आया है, ठीक है। इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, पी अपान ए, और ये ब्लैक बॉडी कह रहे मान लो, तो ई की वैल्यू क्या हो गई, इमिसिविटी 1 हो गई, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो बता दो यहाँ टी की वैल्यू क्या आ जाएगा, पी अपान ए सिग्मा पावर 1/, अब पी अपान ए पूरा ये दिया गया, कितना दिया है, 6.3×10⁷ पाई 0.67×10⁴, बोलिए, -8 सिग्मा की वैल्यू होल पावर 1/, उतारिए सॉल्व कर लिए, वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब ये आपका 4 आ जाएगा, इसको डिवाइड करके 1/4 इसका ले लो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ग्लास फुल ऑफ द हॉट मिल्क इज, मतलब जो है कोई ग्लास में पूरा मिल्क भरा हुआ है, ठीक, और बिगन्स टू कूल ग्रेजुअली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ग्लास में मिल्क भरा हुआ है, वो गर्म है,
और वो जो है धीरे धीरे ठंडा होगा। कब तक होगा? जब तक कि रूम टेम्परेचर के बराबर ना आ जाए। अब कह रहे हैं इनमें कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं। फॉर दियर रेट ऑफ कूलिंग इज कॉन्स्टेंट टिल मिल्क अटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। जैसे मान लो मिल्क का जो टेम्परेचर है 100 डिग्री है और सराउंडिंग का 20 डिग्री है, तो कह रहे हैं कि ये 100 से 20 कॉन्स्टेंट रेट से कूलिंग इसकी होगी। सेकेंड कह रहे हैं टेम्परेचर ऑफ द मिल्क फॉल एक्सपोनेंशियली, और कल हमने बताया था आपको कौन सा ला बताया था, न्यूटन्स ला ऑफ कूलिंग बताया था। और याद करिए कर्व आपका ऐसे था कि नहीं था, और ये कहा था तब तक जब तक रूम टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। तो कैसा ये कूलिंग हो रहा है? एक्सपोनेंशियली। संभाल बैठो यार, कैमरे को देख डर लगता है, गिरा दोगे टूट जाएगा। तो बताओ अब इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है? एक कह रहे हैं कांस्टेंट और एक कह रहे हैं एक्सपोनेंशियली। और कूलिंग होता कैसे है? एक्सपोनेंशियली होता, सही कौन होगा? बी वाला करेक्ट हुआ, ए वाला इसका मतलब गलत हुआ ना। कांस्टेंट रेट्स नहीं होता, कैसे होता है? एक्सपोनेंशियल होता है। फिर दे रहे हैं सी, व्हाइल कूलिंग देयर इज अ फ्लो ऑफ द हीट फ्रॉम मिल्क टू द सराउंडिंग एज वेल एज फ्रॉम सराउंडिंग टू द मिल्क, बट नेट फ्लो ऑफ द हीट फ्रॉम मिल्क टू सराउंडिंग एंड दैट व्हाई इट कूल्स। मतलब ये कह रहे हैं कि हीट का ट्रांसफर बाहर से अंदर, अंदर से मतलब मिल्क से बाहर की ओर, बाहर से मिल्क की ओर दोनों होता है, लेकिन नेट जो फ्लो होता है वो मिल्क से बाहर की ओर होता है। तो ये भी बात करेक्ट है, ठीक, क्योंकि कूलिंग हो रहा है तो ये नेट फ्लो वही होगा। डी दे रहे हैं, ऑल थ्री फिनोमेना कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। ये जो एनर्जी का लॉस हो रहा है उसे तीनों फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल हैं। बिल्कुल तीनों रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि लिक्विड में आपका हमने कंडक्शन फिनोमेना बताया था, सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड में सब में होता है, गैसेज में होता है। कन्वेक्शन लिक्विड में होता है, रेडिएशन गैसेज में होता है। अब सराउंडिंग एक तरीके से आप गैसेज मीडियम है, एयर है, तो इसका मतलब ये तीनों फिनोमेना की वजह से क्या हो रहा है, इसमें जो है लॉस ऑफ एनर्जी हो रही है। तो तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट हो गए, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। ये क्वेश्चन बहुत पहले आईटी में आया हुआ था, तुम लोग पैदाइश के पहले, ठीक, तब से कहीं इधर नहीं दिख रहा है। स्फीयर है, क्यूब है, थिन सर्कुलर प्लेट, ऑल सेम मटेरियल ऑफ सेम मास आर इनिशियली हीटेड। तीन चीजें हैं, स्फीयर है, क्यूब है और एक सर्कुलर प्लेट है। तीनों एक ही मेटल की हैं, तीनों एक ही मास की हैं। तो कह रहे हैं कि इनको हीट किया जा रहा है, सेम टेम्परेचर हीट किया गया। तो फर्स्ट है प्लेट विल कूल फास्टेस्ट एंड क्यूब स्लोएस्ट, स्फीयर विल कूल फास्टेस्ट। मतलब किस में कूलिंग तेज होगा और किस में, तो होता क्या है जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ कूलिंग भी ज़्यादा होगा। हमने बताया था डी थीटा बाई डी टी प्रपोर्शनल टू ए, हमने कहा था। इसलिए जाड़े में हम लोग क्या करते हैं, हाथ पैर समेट के लेटते हैं, क्लियर हो गया, ताकि कम से कम एरिया एक्सपोज हो, या कुछ और कोई है तो और लिपट जाते हैं ताकि एरिया कम एक्सपोज हो। जैसे एक कहानी पढ़ा होगा हल्कू का, भले पढ़े थे हल्कू कहानी है कि नहीं है, तो बजाय इतना ठंडक लगता है तो कुत्ते पकड़ के लेटा रहता है, ताकि एरिया कम से कम एक्सपोज होगा। कम एक्सपोज होगा तो क्या हो जाएगा, आपको कूलिंग कम लगेगा। तो इसका मतलब जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका कूलिंग भी ज़्यादा होगा, और जिसका एरिया कम होगा उसका कूलिंग क्या होगा, कम होगा। तो अब इसमें जो है, जो ये दिया गया है कि कूलिंग प्लेट का जो है कूलिंग सबसे तेज होगा। अब ये कैसे निकाला जाता है, तो निकालने के चक्कर ना पड़ना, क्योंकि सबका एरिया निकालना वो काफ़ी टफ है। ये क्वेश्चन बस याद करें, जैसे ये तीनों मान लो दिए जाते हैं, कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट यही है कि जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका कूलिंग भी ज़्यादा होगा, वो जल्दी जल्दी ठंडा होगा। कारण डी थीटा बाई डी टी प्रपोर्शनल टू ए, परसों हमने आपको बताया था, ठीक।
तो रीजन ले लेना यहाँ पर डी थीटा बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू ए, तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इधर कहीं ये पूछा नहीं जा रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, हमने कहा था ये फॉर्मूला सबसे नंबर एक पे इम्पॉर्टेंट है, रिपीट होता रहता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 देखिए, ये खूब आते रहे। अब देखिए इस साल भी आया हुआ है, जेई 23 में भी आया, 22 में भी आया, 21 में भी आया। मतलब ये मेडिकल इंजीनियरिंग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। चलिए इधर देखिए, क्वेश्चन है पैन फील्ड विद अ हॉट फूड कूल्स फ्रॉम 94 डिग्री सेंटीग्रेड टू T1 टू मिनट व्हेन द रूम टेम्परेचर इज 20 डिग्री। चलो थीटा नॉट भी दिया गया है, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल 71 to 69। तो कह रहे हैं जब ये 71 डिग्री सेल्सियस से, इसमें कितना टाइम लगेगा। तो कल फॉर्मूला परसों में बताया था, क्या बताया था बताओ, थीटा वन इस चैप्टर का नंबर एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। दो ही तीन फॉर्मूले हैं बस, ये हो गया विंस लगा, हो गया स्टीफन वाला, हो गया तीन ही फॉर्मूले। तीनों पे एक क्वेश्चन 100% आपको मिलना है, कोई डाउट नहीं है। आप देखिए थीटा वन क्या है, 94 86, टाइम टू मिनट, तो ऐसे रहने देते हैं, मिनट में आंसर आ जाएगा कि 94 86। अबे भाई टू, अच्छा टाइम टू है, ओके, और ये 20 है। चलो कितना आ जाएगा बताओ, 8 by 2 4 लिख रहे सीधे। चलो यहाँ बताओ, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 6 4 10 और 9 10 18, 180 by 2, 90 में से 20। और ये क्वेश्चन नंबर हमने इसको क्या कह दिया, अब इस पर आ जाओ, 71 minus 69 by t के 71 plus 69 by 2, ये रूम टेम्परेचर हुआ। चलिए बताइए अब क्या करेंगे, 71 69 कितना बचा, अभी कितना बचा, 2। तो 2 upon t इज इक्वल टू, और ये बताओ 10 12 13 by 2 70 में से 2 20 गया 50। इक्वेशन नंबर कहाँ पे, ये 6 4 10, रुक जाओ, 6 4 10 0 और 9 1 10 180 by 2, अच्छा हाँ ये 50 निकल गया, ओके। नहीं नहीं अभी उसको इसे टाइम मिनट में ही निकाल लेंगे, ये 60 है ना, चलो क्या यार चुप रहो, 6 4 10 और 9 1 10 180 90 90 में से 20, तो क्या बार बार बेवकूफ आदमी हो यार तुम लोग, क्यों ना मतलब टाइम बर्बाद करवाते, ठीक। अब क्या करेंगे, 1 और 2 को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अब डिवाइड करोगे, यहाँ 4 है तो 4 upon 2 upon t, k से k क्या हुआ, और ये 70 upon 50,
तो 7/5 हुआ, तो ये आ जाएगा 2t, 2 से 2 कैंसिल किया, t ऊपर चला गया, 2t इज इक्वल टू, तो t इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा 7 मिनट। अब मिनट को बदलना हो तो बदल लो अपना, बोलो ठीक, सेकेंड में कन्वर्ट करना, 60 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का है। अच्छा तो ये वाला तो कर लोगे, यही एकदम सेम ये है, चलो करा देते हैं। मिनट में आंसर आया उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकेंड में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, बॉडी कूल्स 80 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड इन 5 मिनट, कैलकुलेट द टाइम टू कूल 62 टू कितना 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ का टाइम निकालना है आपको, फिर वही कहानी। चलो बताओ फॉर्मूला हमारा क्या होता है, θ1 - θ2/T(k), θ1 + θ2/2 - θ0। अब बताओ ये 80 - 50/5 k 80, रूम टेम्परेचर 20, तो बताइए अब ये कितना आ जाएगा, 80 में से 50 30 6 आ जाएगा, तो 6 इज इक्वल टू के, 130 को 2 से डिवाइड करो, 65 में से 20 माइनस करो कितना, अबे 65 में से 20 40, ठीक। अब इधर देखिए, इस पर आ जाइए, तो 60 30 k, तो बताओ ये 90 40 - 20, तो 20 इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर दीजिए, तो 6/30/t, तो बताओ डिवाइड करो कितना आ जाएगा, ये k से k कैंसिल हो जाएगा, 45/20, ठीक, तो ये हो जाएगा t 5 9 मिनट। नहीं तो आ रहा है ना, चलिए 9 फिर सही करिए, कुछ डाटा गड़बड़ हो गया। 12 क्वेश्चन, द ग्राफ शोन इन द एडजेसेंट डायग्राम रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर टू बॉडीज एक्स एंड वाई सेम सरफेस एरिया टाइम टी रेडिएशन, फाइंड द करेक्ट रिलेशन बिटवीन इमिसिविटी एंड एब्जॉर्बिविटी। चलो इधर देखिए, ये कर्व है आपका, इधर ये टाइम है, इधर टेम्परेचर है, दोनों एक्सपोनेंशियली कूलिंग इनमें हो रही है, किस वाले में कूलिंग तेज हो रही है, किसमें, इसमें ज़्यादा तेज हो रही है। देखो कहीं एक पॉइंट ले लो, यहाँ पर ले लिया हमने, तो यहाँ पर देखिए ये टेम्परेचर यहाँ आ गया, इसका यही टेम्परेचर है, तो कूलिंग नीचे वाले में ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ, और कूलिंग ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, इमिसिविटी ज़्यादा है, तभी तो कूलिंग ज़्यादा हो रहा है, एनर्जी वो ज़्यादा रेडिएट कर रही तभी कूलिंग हो रहा है, और जिसकी इमिसिविटी ज़्यादा होती है उसकी एब्जॉर्बिविटी भी ज़्यादा होती है। किरचॉफ ने यही बताया है कि गुड रेडिएटर आर गुड एब्जॉर्बर, इसका मतलब हो गया कि ईएक्स ग्रेटर देन ईवाई तो एएक्स आल्सो ग्रेटर देन एवाई, समझ में आया सबको, बोलो कन्या क्या, पहली बात तो यह समझ में आना चाहिए इसका जो है कूलिंग ज्यादा है। कैसे समझ में आया, यहां हमने कोई ऐसे ड्रा किया, ऐसे अब देखिए ऐसे ड्रा किया, यहां इसका टेम्परेचर इतना आ गया, इसका यहां पे है, इसका कम टेम्परेचर डाउन हुआ, इसका ज़्यादा हुआ, इसका मतलब इसकी कूलिंग
तेज हो गई, और जिसकी कूलिंग ज़्यादा है उसकी इमिसिबिलिटी ज़्यादा हो गया, और जिसकी इमिसिबिलिटी ज़्यादा है उसकी एब्जॉर्बिटिविटी भी ज़्यादा होती। ये किरचॉफ ने बताया, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। 13, लाइट फ्रॉम द मून इज फाउंड टू हैव पीक वेवलेंथ मैक्सिमम इमिशन, लैम्डा दिया है 14 माइक्रोमीटर। गिवन दैट द वीन कांस्टेंट 2.88 2.9 ले लेते हैं, 10^-3, कह रहे हैं एस्टिमेट दी टेम्परेचर ऑफ द टी हमें क्या करना है। तो ये तो क्लियर हो गया, बीन्सला लगेगा। और क्या होता है बीन्सला बता दो। हमने बताया लेमडा टी इज इक्वल टू बी, बी मीन्स बीन्स कांस्टेंट कहलाता है। तो बताओ यहाँ से टी क्या हो जाएगा, 2.9 को सीधे 3 लिख लो, 3 इंटू और लेमडा माइक्रोमीटर को हटाओ, 10, यहाँ यूनिट जरा ध्यान दिए रहना, बी की यूनिट हमने क्या बताया बताओ, बी की यूनिट ये जो टू, अरे ये लिखा है, इतनी बुद्धि लगा लिया करो, मीटर केल्विन लिखा कि नहीं लिखा है, कहाँ, ये मीटर इंटू केल्विन हुआ, और ये जो अब आप यहाँ मान लो एंगस्ट्रॉम रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसको भी मीटर में, अब देखो माइक्रोमीटर था तो हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, मीटर से मीटर क्या हुआ, आंसर हमारा केल्विन में आ जाएगा। ठीक, तब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये ऊपर जाएगा तो 30 ले लो, 14 कर लो, 10^ ऊपर गया 3 हुआ 2, सॉल्व कर लो केल्विन में आंसर आ जाएगा। ठीक, तो 2 के आसपास आएगा लगभग, ये सी वाला ऑप्शन आपके पास। बोलो, अब यही देख लिया 14 × 2 = 28, तो 2 के रेंज में आएगा, 2 के रेंज में एक ही ऑप्शन आपका दिया है सी, ये करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी रेडिएशन इमिटेड बाय सन एंड द मून, तो लैम्डा सन एंड लैम्डा मून, ठीक है, द रेशियो ऑफ देयर टेम्परेचर, तो टी सन एंड टी, तो मैं लग रहा बताने लायक ही नहीं है, क्या हो जाएगा लैम्डा टी इज इक्वल टू, तो क्या बताओ, टी सन टी मून, लैम्डा मून और लैम्डा 10^-4.5, 10^-6, एक यहाँ ले लो 7 हो जाएगा, 7 ऊपर गया 3 हो जाएगा, तो 1000 नीचे 5 दूना 10, 200 ratio 1, ये चैप्टर ऐसा है जो सभी लोग निर्घूर सभी लोग कर सकते हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता वो भी कर सकते हैं, बहुत आसान टॉपिक होते हैं, तो ऐसे अपने अपने हिसाब से टॉपिक छांट लिया करो, कुछ नहीं कर सकते हो तो जो चैप्टर में तुम्हें क्वेश्चन आसान लगते हैं उन्हीं को कर लो, बार बार कर डालो, जो टफ लगते हैं उनको छोड़ दो, ठीक, उतना कर डालोगे तो उससे भी काम चल जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन है द पावर रेडिएटेड बाई ब्लैक बॉडी इज पी एंड इट रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी एट वेवलेंथ लैम्डा नॉट इफ द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज चेंजेस सो दैट इट रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वेवलेंथ द पावर रेडिएटेड बाई इट बिकम्स एन पी द वैल्यू ऑफ एन। बताओ कैसे करोगे, क्या कहना चाह रहे हैं, ब्लैक बॉडी पावर दिया पी एंड रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी वेवलेंथ पावर पी लैम्डा 1 लैम्डा नॉट,
टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज नाउ चेंज सो दैट मैक्सिमम एनर्जी एट वेवलेंथ अब पावर कह रहे हैं एनपी हो जाता है। पावर का और लेमडा का रिलेशन बताइए, कल है परसों बताया था पी प्रोपोर्शनल टू टी टू पावर फोर हुआ, और टी जो होता है वो क्या होता है लेमडा, तो लेमडा यहां फोर है तो यहां भी हमने क्या कर दिया, ये आपका वींस ला हो गया, ये स्टीफन्स ला हो गया। अब इनको इसको ले लो तो पी वन अपान पी टू लेमडा टू अपान लेमडा वन टू पावर पी वन की जगह पी, इसकी जगह एन पी, लेमडा टू थ्री थ्री बाई फोर लेमडा नाट अपान लेमडा नाट की पावर कितना आ जाएगा बताओ, वन अपान एन इज इक्वल टू ये कितना आएगा 16 चौके 64 को सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 15, पर्टिकुलर स्टार हैज सरफेस टेम्परेचर द वेवलेंथ इन द नैनोमीटर्स एट व्हिच रेडिएट्स बिकम मैक्सिमम, तो लेमडा फाइंड करना है और बी आपको दिया है तो बताने लायक नहीं है, क्या करोगे बता दो भाई, लेमडा टी इज इक्वल टू तो लेमडा इज इक्वल टू बी बाई, तो इसको ऐसे लिख लो थ्री वही इंटू टेंथ पावर माइनस थ्री मीटर केल्विन, हमने 29 को राउंड फिगर में ले लिया है, एक्चुअली आएगा 2.9 टेंथ पावर माइनस थ्री, तो हमने उसको 3 इंटू टेंथ पावर माइनस थ्री कर लिया है, और टी केल्विन से केल्विन ये मीटर में आया ठीक, और नैनोमीटर में पूछ रहे हैं तो एक नैनोमीटर में क्या बताया 10^-9 हटाना तो मल्टीप्लाई कर दो, लगाना तो क्या कर दो तो डिवाइड कर दो, तो क्या आंसर आ जाएगा, ये पॉइंट इधर ले लो तो -8 और ऊपर जाएगा तो ये 60 के आसपास आंसर आ जाएगा आपका ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, थ्री डिस्क ए बी सी हैविंग, ये तीन डिस्क दी गई हैं, रेडियस इसका 2 मीटर 4 मीटर एंड आर कोटेड विद द कार्बन ब्लैक देयर सरफेसेस द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग, ये 300 एंड पावर रेडिएटेड, हमें पावर का रेशियो निकालना है, पावर फार्मूला बताओ, पावर का फार्मूला ई ए सिग्मा टी की पावर, लेकिन यहाँ पर क्या है लेमडा दिया है तो लेमडा किस में छुपा हुआ है टी में छुपा हुआ है, तो पी इज इक्वल टू ई ए और ये हो जाएगा 1/5 लेमडा की पावर, तो हम इसको ले लें केवल बस एरिया ले लेते हैं और लेमडा ले लेते हैं, तो पी प्रोपोर्शनल टू एरिया है क्या ये, तो पाई आर स्क्वायर होगा ओके, पाई आर स्क्वायर अपान लेमडा की पावर 4, तो पाई से भी मतलब नहीं है, तो अब ऐसे कर लेंगे पी वन रेशियो पी टू रेशियो पी थ्री, बताओ क्या आ जाएगा, आ जाएगा आर वन स्क्वायर लेमडा 1 की पावर 4, आर टू स्क्वायर लेमडा 2 की पावर 4, आर थ्री स्क्वायर लेमडा 3 की पावर
चलिए आर वन बताइए, टू स्क्वायर, तो हम सीधे फोर कर दे रहे हैं, ठीक। लेमडा वन का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, थ्री थ्री जन नाइन, और नाइन इंटू टेन पावर फोर, अरे टेन पावर टू का स्क्वायर करोगे, नहीं नहीं स्क्वायर नहीं करेंगे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ज़्यादा जल्दबाजी, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, पूरा लिखने दो। आर वन टू का स्क्वायर लेमडा वन की पावर आर टू लेमडा टू आर थ्री लेमडा थ्री अब इसको देखो, ये तो हो जाएगा फोर, इधर ध्यान दो पहले, थ्री की पावर फोर इक्यासी, और ये दो जीरो हैं सब जगह क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो हम इसकी जगह सीधे क्या लिखे, ये क्या हो जाएगा, सोलह दो सौ नहीं सोलह दो सौ छप्पन, ठीक, थर्टी सिक्स, ये बताओ छः सौ पच्चीस, ठीक। अब इन सब का एलसीएम लो, कितना है एलसीएम बताओ, चलो तब तक तुम लोग उतारो और बाकी लोग एलसीएम लेकर बताएं हमको, बाकी लोग वहाँ तक उतारो, बाकी कैलकुलेशन नहीं है, इक्यासी और इसका एलसीएम लेकर बताओ कितना आ रहा है, ये एलसीएम लेकर साल करके बताओ, तब तक बाकी लोग उतारें, चलो बताओ कितना है एलसीएम, कितना है, कितना, एट थ्री, एट थ्री थ्री, थ्री थ्री सेवन फाइव जीरो, डिवाइड किया इसको कितना आया, कितना, चार सौ सोलह, यहाँ कितना आएगा है, सोलह, नहीं नहीं डायरेक्ट बताओ जो मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है वो बताओ, ये सोलह छाछठ, इसका कितना आया, अरे यार इसको इससे डिवाइड करो जो है मल्टीप्लाई करो, कितना है, इक्कीस जीरो, ये बताओ उन्नीस, यही ना, अब देखिए इससे हमें कोई मतलब नहीं है, सबसे ज़्यादा कौन हुआ बताओ, ये वाला ना, तो ये सबसे ज़्यादा ये इसका हुआ, उससे कम 19 सबसे कम, तो क्या पूछा क्या क्या थे, अब आ जाओ मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हमारा हुआ सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर पी टू, पी टू का मतलब हुआ फोर, फोर का मतलब सेकंड नंबर पे कौन है, क्यू बी, तो क्यू बी का जो है सबसे ज़्यादा हो जाएगा, बोलो। अब इसी को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है तो फिर आप वहाँ लिख सकते हो कि घटते हुए और बढ़ते हुए क्रम में कौन सा है, हो जाएगा ना, बोलिए। द प्लॉट्स ऑफ द इंटेंसिटी वर्सेज वेवलेंथ फॉर थ्री ब्लैक बॉडीज एट टेम्परेचर टी वन टी टू टी थ्री रेस्पेक्टिवली, देयर टेम्परेचर आर सच दैट, चलो बताओ इसमें बताना है कि किसका टेम्परेचर ज़्यादा है किसका कम है, तीन कर्व प्लॉट किए गए हैं इंटेंसिटी में और लेमडा में, ठीक, लेमडा और टेम्परेचर में आपको रिलेशन बताना है कि सबसे ज़्यादा किसका है टेम्परेचर, कौन बताएगा, वीन सेल लगा दो यार, लेमडा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो लेमडा जिसका कम होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, लेमडा कम किसका है, किसका बताओ, इस वाले का, ये देखिए लेमडा कम हुआ इसका पीक ना, इसका कम हुआ उससे ज़्यादा इसका हुआ, उससे ज़्यादा इसका हुआ, इसका मतलब हो गया कि ये जो है T1 वाले का
तो T1 ग्रेटर देन T3 ग्रेटर देन, कारण समझ में आया ना, लेमडा T इज इक्वल टू कांस्टेंट लेमडा इनवर्सली हो गया T के, जिसका लेमडा कम होगा उसका T ज़्यादा होगा। लेमडा हम इधर दाएं बाएं देखते हैं, ये देखिए लेमडा इसका पीक यहाँ आया, पीक देखेंगे इसका पीक यहाँ आया, इसका पीक यहाँ आया, तो इसका मतलब सबसे कम लेमडा इसका हुआ, उससे ज़्यादा इसका हुआ, सबसे ज़्यादा इसका हुआ। तो जिसका लेमडा सबसे कम है उसका टी सबसे, अब ये देखिए लगभग क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। चलो बताओ, ऑन ऑब्जर्विंग लाइट फ्रॉम 3 डिफरेंट स्टार्स पी क्यू एंड आर, इट वॉज फाउंड दैट इंटेंसिटी ऑफ द वायलेट कलर मैक्सिमम इन द स्पेक्ट्रम ऑफ पी, द इंटेंसिटी ऑफ ग्रीन कलर इज मैक्सिमम इन द स्पेक्ट्रम ऑफ आर, एंड द इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम इन द स्पेक्ट्रम ऑफ क्यू। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, जिसका लेमडा ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर कम होगा। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि इधर के क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करेंगे, क्योंकि सब बेसिक क्वेश्चंस हैं सभी है।